बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेने से पहले मैं गुजारिश करता हूं कि सवाल जो है इतना लंबा ना किया जाए, शॉर्ट थोड़े लफ्जों में सवाल किया जाए ताकि टाइम की बचत हो सके। अब मैं गुजारिश करता हूं कि उज़्मा अजीज हैं, वो सवाल करना चाह रही हैं, वो उनको अनम्यूट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मुझे सवाल करना था कि अगर बीवी मालदार है तो शोहर घड़ी घड़ी उसको ताने देता है कि तुम अपने पैसों में से तो कुछ घर पे खर्च नहीं करते हो, तो जब बीवी घर पे खर्च करती है तो क्या वो शोहर के पैसे यूज करे या अपने पैसे यूज करे? क्या मतलब? घर के खर्चों में जब बीवी कुछ भी खरीदती है तो क्या वो अपने पैसे यूज करे या शोहर के पैसे यूज करे, क्योंकि घड़ी घड़ी शोहर से ताने मिलते हैं कि तू तो घर पे नहीं खर्च करती है करके। तो शोहर कुछ बखील मालूम हो रहा है? नहीं, शोहर तो बहुत मालदार है बट उनको ऐसा लगता है कि बीवी क्यों नहीं खर्चा करती है। नहीं भाई, उसको पता होना चाहिए कि शरीयत ने कहा अर्रिजाल कवामून अला निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। तो घर के अखराजात की जिम्मेदारी शोहर की है, शोहर का बीवी से कहना कि तुम अपना पैसा क्यों खर्च नहीं करती उसकी लालची होने की अलामत है। तो शोहर को चाहिए कि दुनिया की लालच छोड़े, अपने माल पर एतमाद रखे कि हम जो कमाते हैं उसी से हम खुद जिएंगे और अपने बाल बच्चों को जिएंगे। तो शोहर के ये होनी चाहिए काउंसलिंग होनी चाहिए कि आपको अल्लाह ताला ने जो दिया है, ये घर को संभालना, घर के अखराजात की जिम्मेदारी ये आपकी है, बीवी की नहीं। घरचे को कितना ही मालदार हो तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, शोहर की जिम्मेदारी है। वो शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं या हो सकता है भाई दुनिया है तो दुनिया वाले तो यही देखते हैं कि माल कहीं से भी आ जाए तो अच्छी चीज है, तो उसी तरह से वो भी चाहते हैं कि भाई बीवी मालदार है तो जरा घर से भी आ जाए तो अच्छा होगा। तो बस हिर्स है, बस ऐसी हिर्स नहीं होनी चाहिए, काउंसलिंग किया जानी चाहिए ताकि हिर्स उनसे खत्म हो जाए।